क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे पाकिस्तान की पचहत्तर साल तारीख में किसी भी वजी अजम ने अपना दौरे मुकम्मल नहीं किया है के मुताबिक लेकर अब तक पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में उनतीस वजर चुके हैं अठारह मौकों पर करप्शन के इल्जाम बरह रास्त फौजी बगावत और जबरी तौर पर इस्तीफा लेने समेत इनको मुख्तलिफ बहानों से अपने से हटाया गया इसमें एक वजीर अजम का कत्ल भी हुआ और फिर नए इलेक्शन तक अबूरी वजर आजम महद वक्त के लिए इस पर फाइज रहे पाकिस्तान में वजीर आजम का मुख्तर और सबसे तवील दौर चार साल और दो माहौे पाकिस्तान के वजर आज मुंत हुए आज के इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के उन वज्रजम के नाम बताने जा रहे हैं की जो अपने की आयनी मुद्दत पूरी ना कर सके इस लिस्ट में निगरान वजर आजम या वो वजर आजम शामिल नहीं है की जिन्होंने दूसरे नजरीन ये कहानी होती है अली खान से कि जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे उन्होंने उन्नीस सौ सैतालीस में इक्तदार संभाला सोलह अक्टूबर उन्नीस सौ इक्यावन को एक सियासी जलसे में उनको कतल कर दिया गया उनकी हकूमत का दौर चार साल और दो माह था फिर ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ इक्यावन को वज़ीर आज़म का संभाला मजहबी फसादात से सही तौर पर न निमटने की वजह से गवर्नर जनरल ने उनको सत्रह अप्रैल उन्नीस सौ तिरपन को दरअसल गवर्नर जनरल बरतानवी नौ आबादियाती दौर का एक ताकतवरदा ताक था और उनका दौरे हुकूमत एक साल छह माह आरोप मुश्तमिल था उनके बाद मोहम्मद अली बोगरा सत्रह अप्रैल उन्नीस सौ तिरपन को वजीर आजम बने उन्होंने ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ पचपन को अपने से इस्तीफा दे दिया था उनकी हुकूमत दो साल और तीन माह रही फिर चौधरी मोहम्मद अली ने अगस्त उन्नीस सौ पचपन के वजी का चार्ज संभाला, वजीर आजम के, के फाइज रहे उनके बाद हुई बारह सितंबर उन्नीस सौ छप्पन को मुल्क के वजी आजम बने दीगर रियासती इधारों के साथ इख्तलाफात के बाइस उनको अठारह अक्टूबर उन्नीस सौ सत्तावन को

1958 में मार्शल के के छोड़ दिया था उनके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने चौदह अगस्त उन्नीस सौ तिहत्तर को इकतदार संभाला मगर पांच जुलाई उन्नीस सौ सतहत्तर को एक फौजी बगावत के जरिए उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया बाद में उनको जेल भेजा गया और फांसी दे दी गई उनकी हुकूमत का दौर तीन साल और ग्यारह माह पर मुश्तम था उनके बाद मोहम्मद मार्च उन्नीस सौ पिचासी में वजी बने उन्हें उनतीस मई उन्नीस को फौजी सरबरा हक ने बरतरफ कर दिया जयाउल हक उस वक्त पाकिस्तान के सदर भी थे वो तीन साल और दो माह वजीर आजम के अहदे पर फाइज रहे मकतूल वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून रहनुमा

संभाला तहम फौज से इख्त के बाद उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था उनका दौरे हुकूमत दो साल और सात माह था फिर बेनजीर भुट्टो ने 19 अक्टूबर उन्नीस में, में दूसरी मरतबा इकतदार संभाला 5 नवंबर उन्नीस को सदर ने एक मरतबा फिर उनकी हुकूमत को बरतर कर दिया था दूसरी मरतबा बेनजीर भुट्टो तीन साल से अरसा पाकिस्तान की वजी अजम रही उनके बाद नवाज शरीफ 17 फरवरी उन्नीस को दूसरी मरतबा इकतदार में आए बारह अक्टूबर उन्नीस को फौजी बगावत के जरिए उनकी हुकूमत खत्म हुई और पाकिस्तान की तारीख में तीसरी मरतबा मार्शल लगा वो दो साल और आठ माह तक वजीर आजम रहे थे उनके बाद मीर जफर खान जमाली नवंबर दो हजार दो में परवेज मुशरफ के दौर में वजीर आजम हुए। उन्होंने 26 जून दो चार में फौज से इख्तलाफ के बाद इस्तीफा दे दिया था वो एक साल और सात माह वजीर आजम के पर फाइज रहे फिर यूसुफ रजा गिलानी पच्चीस मार्च दो हजार आठ को पाकिस्तान के वजीर आजमतब हुए दो हजार बारह में सुप्रीम कोर्ट ने तोहिन अदालत के इल्जाम में उनको ना अहल करार दे दिया था उनका दौरे साल और एक माह पर मुश्तम था फिर नवाज शरीफ पांच जून दो हजार तेरह को तीसरी मरतबा के इमरान खान अठारह अगस्त दो हजार अठारह को पाकिस्तान के, के वजी अजमत हुए दस अप्रैल दो हजार, हजार बाईस को रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान अपोजिशन की जानब से तहरीक अदम एतम के जरिए वो इकतार